राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा स्पोर्ट्स है जिसमें कि स्क्वैटिंग जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, स्क्वैट्स मुझे करना है, मान लो मुझे नीचे बैठना है, जैसे वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग में मुझे पूरा का पूरा स्क्वैट डाउन होना है, फिर मुझे एक्सटेंशन करना है ना। तो अब नीचे जा रहे हैं हम, तो नीचे जा रहे हैं तो आप देखिए क्या क्या हो रहा है। आप नीचे जा रहे हो तो हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन हो रहा है, नी जॉइंट पे फ्लेक्शन हो रहा है, एंकल जो है वो नॉर्मल रहेंगे या फिर डॉर्सिफ्लेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि ये मूवमेंट हो रहा है। अब मूवमेंट के साथ में हम ये देखेंगे कि मसल कौन सी इन्वॉल्व है। हिप जॉइंट का अगर फ्लेक्शन है तो हिप की जो फ्लेक्सर मसल है वो इन्वॉल्व होगी, इसीलिए आपको मसल्स पढ़ाई है, इसलिए आपको जॉइंट पढ़ाया है, राइट। नी जॉइंट पे अगर फ्लेक्शन हो रहा है तो हैमस्ट्रिंग जो मसल है वो इन्वॉल्व हो रही है, राइट। उसके बाद में ये आप आगे नीचे वेट लिफ्टिंग का, अब नीचे के बाद में वापस ऊपर जाना है हमें, फिर से ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक्सप्लोसिव मूवमेंट हो रहा है, आपको बहुत स्पीड से ऊपर जाना होता है। तो एक्सप्लोसिव मतलब पावर, पावर मूवमेंट आपको जनरेट करना है। मूवमेंट क्या हो रहा है, हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन हो रहा है। तो हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन कौन सी मसल कराती है, हैमस्ट्रिंग है, ग्लूटियस है, ग्लूटियस ग्लूट्स है। नी जॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। तो नी जॉइंट का एक्सटेंशन कौन सी मसल कराती है, क्वाड्रिसेप्स कराती है। तो इस तरह से हमें ये पता करना है कि कौन से मूवमेंट में कौन सा जॉइंट पे कौन सा मूवमेंट हो रहा है और सेकेंड उस मूवमेंट में कौन सी मसल इन्वॉल्व है। ये आप वीडियो एनालिसिस के साथ में क्लब करके भी कर सकते हो। अगर आपने वीडियो किया तो उस वीडियो को आप स्लो मोशन में चलाइए। अगर आप स्लो मोशन में वीडियो को चला रहे हो तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि कौन से जॉइंट पर कौन सा मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हम उसकी ट्रेनिंग इजीली करा सकें। जैसे जैसे वेट लिफ्टिंग में एक्सप्लोसिव मूवमेंट है तो हम उसकी एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग कराएंगे, कौन सी मसल की, जो मसल इन्वॉल्व हो रही है, राइट। सो इस तरह से हम लोग काइनेसियोलॉजिकल एनालिसिस किसी भी चीज की कर सकते हैं। पर अगर हम कोई वीडियो देखते हैं या फिर हम किसी भी, मान लो कि आप एज अ कोच किसी भी खिलाड़ी का मूवमेंट चेक कर रहे हो, तो मूवमेंट चेक करने में आपको क्या चेक करना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क बनता है कि हमें बेसिकली चेक क्या करना है, हमें देखना क्या है। क्योंकि मूवमेंट तो चलो हम पता है हमारी क्या होती है कि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक स्पेक्टेटर जो होता है ना नॉर्मल सा, ठीक है, उसका ये होता है कि यार मूवमेंट देख के हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने लग जाते हैं। हम चार लोग अगर बैठ के अगर कोई मैच देख रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स देख रहे हैं, और उस चार रादर हम टीवी पे क्यों ना देख रहे हो, हम क्या करते हैं उस मूवमेंट पे अपनी एक्सपर्टाइज देने लग जाते हैं। जैसे अभी परसों के दिन की बात है, कंवलजीत ने फाइनल में परफॉर्मेंस जो है वो बेटर नहीं था, वो 62.61.63 गया। हम यहाँ बैठे बैठे अपना एनालिसिस करने लग गए कि यार उसने ना ये वाला मूवमेंट ठीक नहीं किया, या उसने वो ठीक नहीं किया, उसने टर्न जो है वो इफेक्टिव नहीं लिया, वो नर्वस हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। एक्चुअल चीज क्या है वो तो वो खुद जानती है, राइट। पर हम हमारी एनालिसिस कर तो, पर ये एनालिसिस हम बंद तो करेंगे नहीं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी एनालिसिस होती है ऑब्जर्वेशन एनालिसिस। हम ऑब्जर्व जो करते हैं वो, पर हमें ऑब्जर्व करना क्या है, मैं आपको इसके बारे में छोटा सा प्रेजेंटेशन देता हूँ कि हमें ऑब्जर्व क्या करना है, ठीक है। तो हम जो एनालिसिस करते हैं बेसिकली हम लोग मूवमेंट की क्वालिटी चेक करते हैं, राइट। उस मूवमेंट की क्वालिटी के बारे में मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या चेक करना चाहिए, एक्सक्यूज मी, राइट। तो बेसिकली जो मूवमेंट है यहां पर दो चीजें होती है, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉज एंड वन इज इफेक्ट। कॉज मींस द रीजन टू टेक प्लेस और टू हैपन एनीथिंग, इफेक्ट इज द रीजन, इज द रिजल्ट ऑफ दैट कॉज। तो जैसे स्पोर्ट्स में जो रीजन है उसके पीछे मटेरियल इन्वॉल्व है, कि आप अगर कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो क्या मटेरियल है, प्रोसेस आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, आपके मेजरमेंट्स क्या है, ये सब एक रीजन है। और इसकी बदौलत हम एक रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, एक मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और अल्टीमेटली हम उस मूवमेंट को कहां क्या चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी, ठीक है। तो जो टॉपिक है आज का वो है मूवमेंट क्वालिटी के बारे में, कि आप मूवमेंट की क्वालिटी कैसे चेक करोगे। तो मूवमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए आपको किसी भी मूवमेंट के अंदर ये पांच चीजें देखनी जरूरी है।
सबसे पहला है इसमें मूवमेंट रिदम। अच्छा पहले आप मुझे बताइए, मैं आपको अनलॉक करता हूँ, एक मिनट मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप अनम्यूट कर सको। आप मुझे बताइए कि आपको अगर किसी मूवमेंट की क्वालिटी, आपको मैं बोलता हूँ यार चलो ये मूवमेंट था, आप बताओ उसकी क्वालिटी अच्छी थी या नहीं थी, तो आप क्या सोचोगे, आप क्या होना चाहिए उसमें, आपके हिसाब से क्या है? एनी वन ऑफ यू कैन गिव आंसर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, चलो ठीक है, गुड वर्ड। एंगल्स, एंगल क्या आप सिर्फ देख के एक्यूरेटली पता कर सकते हो? ना, पर चलो ठीक है, चलो ठीक है, एक मोटा मोटा हमें पता लग जाता है एंगल्स। और कुछ? फॉलो थ्रू सर, फॉलो थ्रू, पोजीशन, इनिशियल, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, हाउ दे स्टार्ट एंड हाउ दे, ठीक है ठीक है। और कोई? स्टेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी सर, मूवमेंट क्वालिटी। मूवमेंट क्वालिटी तो पूरी की पूरी बात है कि क्वालिटी के अंदर क्या क्या आप लोगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं? मूवमेंट फास्ट है कि स्लो है, बॉल स्पीड, मतलब स्पीड, बॉल बैलेंस, रिएक्शन, रिएक्शन, एग्जीक्यूशन, गुड। मतलब ये कि हमें ये सारे पॉइंट जो आपने बताया है ये कोई गलत नहीं है, सब सही पॉइंट है, पर क्या हम वाकई में ये चेक कर सकते हैं? क्या आप किसी की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं, एक्यूरेट आप पता लगा कर सकते हो? क्या आप कोई एंगल एक्यूरेट पता कर सकते हो? ठीक है, आपको कैसे पता है कि जो उसका पोजीशन है, चलो पोजीशन हम पता लग जाते हैं, पर जो फॉलो थ्रू है वो एक्यूरेट है या नहीं है? उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वीडियोज की एक मदद लेना जरूरी है, ताकि हम उस वीडियो को स्लो मोशन में देख देख कर हम उसकी बॉडी पोजीशन का बेहतर अंदाजा लगा सकें, राइट? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लॉन्ग जंप लेता हूँ, तो लॉन्ग जंप आप देखा जाए तो एक्चुअल इवेंट सिर्फ 3 सेकंड का होता है, ओनली 3 to 4 seconds, अप्रोच रन से शुरू होकर लॉन्ग जंप तक मैक्सिमम 3 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं होता है, 3 to 4 seconds बस आप अगर देखा जाए तो। क्या उस 3 to 4 second में आपने एथलीट की रनिंग भी एनालाइज कर ली और आपने उसका टेक ऑफ भी एनालाइज कर लिया, आपने उसका लैंडिंग भी एनालाइज कर लिया? इतनी एक्सपर्ट्स नहीं है हमारी आईज, एक्सपीरियंस के साथ में आप थोड़ा बहुत एक प्रिडिक्शन दे सकते हो, बट एक्यूरेसी के साथ में हम नहीं कर सकते, और अभी आज की डेट में हमें चाहिए एक्यूरेसी। तो अगर आप किसी भी मूवमेंट को एनालाइज कर रहे हो, अगर आप, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना खुद का वीडियो बनवाइए किसी से, या आप वीडियो बनाइए और उसके बाद में आप उस वीडियो के अंदर आप ये सारी चीजें चेक करिए, इसके बेसिस पर हम लोग मूवमेंट क्वालिटी को डिनोट करते हैं। और वो चीजें हैं मूवमेंट रिदम, सबसे पहली है मूवमेंट रिदम, सेकंड है मूवमेंट कपलिंग, थर्ड है मूवमेंट प्रिसीजन, क्या क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, फोर्थ है मूवमेंट एम्पलीट्यूड, और फिफ्थ है मूवमेंट फ्लो। इन पांचों चीजों के बेसिस पर मैं किसी भी मूवमेंट की क्वालिटी को डिसाइड कर सकता हूं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट मूवमेंट। ठीक है, क्यों ना हमें सिर्फ एक जेवलिन देखना हो, पर उसकी क्वालिटी कैसी थी ये मैं डिसाइड कैसे करूंगा? तो इन 5 पॉइंट के ऊपर मैं इनको डिसाइड करूंगा, राइट? चलो, तो पहला पॉइंट है मूवमेंट रिदम। मूवमेंट रिदम क्या होता है? हम बोलते हैं कि यार आज हम रिदम, हम ना डे टू डे लाइफ में ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, करते हमेशा करते हैं, मैं रिदम में नहीं था। रिदम मतलब हम बोलते कि यार वो ना एक हमारा ट्रेन चल रहा था, वो ट्रेन कंटिन्यू चलता रहेगा तो हम अच्छे हैं, अगर वो खराब चल रहा है तो हम खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, हम, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यूजुअली हम वो बोलते हैं, राइट? पर मूवमेंट के टर्म में क्या होता है कि जस्ट अ सेकंड, हेलो, जब आप मूवमेंट करते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ मोटर एक्शन जब पढ़ा था हमने, तो हमने एक मूवमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट? जैसे अगर लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप में सबसे पहले अप्रोच रन होता है, उसके बाद में टेक ऑफ होता है, या फिर पोजीशन होती है, उसमें हम नीचे जाते हैं, फिर एक्सटेंशन करते हैं, फिर जंप करते हैं, फिर लैंडिंग करते हैं। तो कहने को तो एक लॉन्ग जंप है, पर उस लॉन्ग जंप को अगर हम तोड़ते हैं तो 4-5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उसे हम बोलते हैं पार्शियल मूवमेंट, पार्शियल मूवमेंट, राइट? तो इन पार्शियल मूवमेंट का अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है तो मेरा मतलब है कि मेरी मूवमेंट रिदम जो है वो अच्छी है,
प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मतलब मान लो कि अप्रोच रन को मैं 1 देता हूं, टेक ऑफ बोर्ड पर मेरी पोजीशन को मैं 2 देता हूं, मैं नीचे जाना और ऊपर आने को 3 देता हूं, जंप को मैं 4 देता हूं और लैंडिंग को मैं 5 देता हूं। तो ये 1 2 3 4 5 जो सिक्वेंस है ये प्रॉपर सिंक्रोनाइज होना चाहिए। या फिर इसको मैं बोलूं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है वो प्रॉपर होना चाहिए टाइम के हिसाब से, तो मेरा रिदम अच्छा है। या फिर मैं बोलूं कि जो पार्शियल मूवमेंट की जो सिक्वेंसिंग है कि एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, वो प्रॉपर टाइम पर आ रहा है, प्रॉपर समय पर, प्रॉपर जगह पर आ रहा है। अगर वो है तो इसका मतलब मेरी मूवमेंट की रिदम अच्छी है, राइट। सेकंड इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज होता है कि इसकी वजह से आपको हाई इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट मतलब आप कम थकोगे, आपकी एनर्जी कम लगेगी अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। आपकी जो मसल है उनको टाइम मिलेगा रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि एट ए टाइम एक ही मसल काम कर रही है, दूसरी वाली रिलैक्स कर रही है। सेकंड है मूवमेंट कपलिंग। मूवमेंट कपलिंग का मतलब होता है, आप खुद गौर करिएगा जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो तो हम ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ एक ही मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट के साथ में कोई ना कोई और मूवमेंट इन्वॉल्व होता ही है, होता ही। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट को मूवमेंट कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे इन वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो मैं स्क्वैट कर रहा हूं, स्क्वैट के बाद एक्सटेंशन जब कर रहा हूं तो साथ में मेरे हाथ को भी मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, बार बार बारबल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मैं लेग का मूवमेंट भी कर रहा हूं साथ में हाथ का मूवमेंट भी कर रहा हूं, तो एक साथ में मैं डबल डबल मूवमेंट कर रहा हूं, तो दैट इज मूवमेंट कपलिंग। मैं रनिंग भी कर रहा हूं, मैं ड्रिबलिंग भी कर रहा हूं, दो मूवमेंट अलग अलग है मेरे साथ, तो मूवमेंट कपलिंग। मूवमेंट कपलिंग में एग्जांपल है यूज ऑफ ट्रंक इन जेवलिन थ्रो। मुझे थ्रो तो मेरे हाथ से करना है पर मैं ट्रंक को इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो मैं हाथ के साथ साथ ट्रंक का मोशन भी कर रहा हूं, तो दिस इज मूवमेंट कपलिंग। मूवमेंट कपलिंग दो तरह से होती है। मूवमेंट कपलिंग में बेसिकली मेजर फंडा होता है आपका मोमेंटम ट्रांसफर का, कि मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे हो रहा है। तो उसमें होता है दो तरह से, तो सेंट्रीपिटल होता है या सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है जब आपकी बॉडी का मोमेंटम जो है वो आप इक्विपमेंट के ऊपर छोड़ रहे हो, बाहर की तरफ जा रहा है। सॉरी, सेंट्रीपिटल का मतलब है अंदर की तरफ आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बाहर की तरफ। सॉरी, मैं आपको याद करना बता दूंगा कि कैसे याद करना है इसको। तो सेंट्रीपिटल का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों, जब आप लोगों जो एथलीट्स वाले होंगे तो हैमर थ्रो जब करते हैं तो बॉडी के ऊपर बड़ा जोर आता है, राउंड घुमाते हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो बाहर की तरफ, आप बाहर की तरफ फोर्स लगाते हो, बट इक्विपमेंट जो है वो आपकी तरफ अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। तो जो अंदर बॉडी की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ लगता है बॉडी से उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे जंप करना है, जंप अगर करना है तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बॉडी से मोमेंटम को जनरेट करके मैं बाहर की तरफ उस मोमेंटम को थ्रो कर रहा हूं। मेरी बॉडी से मैं उसको बाहर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, बाहर की तरफ जा रहा है तब तक सेंट्रीफ्यूगल। और अगर कोई मोमेंटम मेरे अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ मुझे प्रेशर लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल। जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। तीसरा होता है मूवमेंट प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता, एक्यूरेसी, राइट। जैसे आपका मूवमेंट कितना प्रिसाइज था, आपका मूवमेंट कितना प्योर था या शुद्ध था या कितना एक्यूरेट था, उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। तो लेट्स से कि मुझे कोच ने बताया था कि ये मूवमेंट आपको ऐसा करना है तो आपको रिजल्ट जो है वो ऐसा मिलेगा, बट क्या वाकई में ऑन द फील्ड हम वो मूवमेंट एक्यूरेट कर पाए, उतना जितना बताया था उतना प्रिसाइज था या नहीं था। प्रिसाइज मतलब अप टू द पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द डिग्री ऑफ कंफर्मेटरी बिटवीन एम एंड द रिजल्ट। एक डॉट है, ठीक है, हमें डॉट्स है, डॉट में मुझे एरो डालना है, तो एरो का मेरा जो टारगेट है वो होता है, मेरा एम होता है ए,
कि मुझे सेंटर पे आना है, पर कई बार मेरा यहां लग जाता है, कई बार मेरा यहां लग जाता है। तो ये जो डिफरेंस है इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज मतलब होता है सेंटर में, कितना कंफर्म हो आप, व्हाट इज योर कंफर्मेटरी बिटवीन योर एम एंड द रिजल्ट, उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन, राइट। एग्जाम्पल हिटिंग अ टारगेट, या फिर एक होता है स्पेस प्रिसीजन। स्पेस प्रिसीजन मतलब जब आप हवा में होते हैं तब आपने कितना प्रिसाइज मूवमेंट किया है, जैसे पोल वॉल्ट या जिम्नास्टिक वगैरह जो करते हैं। जैसे जिम्नास्ट में वो आपने देखा होगा कि वो बाहर से अपने हाथ छोड़कर भी समरसॉल्ट लगा लेते हैं, वापस से बाहर पकड़ लेते हैं, तो दैट इज उनका मूवमेंट बहुत प्रिसाइज है, बहुत एक्यूरेटली उनको पता है कि बाहर कितने समरसॉल्ट के बाद में आएगा, दैट इज प्रिसीजन। अगर वो नहीं पता है उनको तो बार पकड़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, या फिर मूवमेंट जो है वो मिसमैच होगा, राइट। नेक्स्ट है मूवमेंट एम्पलीट्यूड। मूवमेंट एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आप आपके बॉडी पार्ट्स को कितना यूज कर रहे हो, आप आपके बॉडी पार्ट को कितना डिस्टेंस पे मूव कर रहे हो। अगेन फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ थ्रो करना है, अगर मैं थ्रोइंग जो है वो सिर्फ यहां पर फेंक दूंगा, यहां छोड़ दूंगा, तो सेकंड ये है कि मैं थ्रोइंग के लिए मेरा पूरा हाथ यूज कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सेकंड वाले जो एस्पेक्ट है, जब मैंने हाथ को पूरा एक्सटेंड किया है, पूरा हाथ को लंबा किया है, वहां पर मुझे डिस्टेंस ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो आपको ये चेक करना है कि बॉडी पार्ट्स जो है आपके वो आपने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए हैं, उसे हम बोलते हैं मूवमेंट एम्पलीट्यूड। अब दो तरह के मूवमेंट एम्पलीट्यूड होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है आप कोई बॉडी पार्ट को यूज करते हो, जैसे थ्रो के लिए मैंने अपने हाथ को यूज किया, सिर्फ अगर मेरा हाथ पूरा लंबा जाएगा तो इसका मतलब है कि थ्रो जो मैं फेंकूंगा उसका मैक्सिमम डिस्टेंस मुझे मिलने के चांसेस है, सब कुछ ठीक रहा तो। अगर मैंने पूरा हाथ लंबा नहीं किया तो मुझे पता है कि मुझे डिस्टेंस कम मिलेगा। सेकेंड होता है एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड, जब मैं पूरी की पूरी बॉडी को यूज कर रहा हूं फॉर दी एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एक्टिविटी, जैसे लॉन्ग जंप या हाई जंप, मैं पूरी बॉडी को थ्रो कर रहा हूं, आई एम थ्रोइंग होल द बॉडी, होल बॉडी, तो क्या उस बॉडी को थ्रो करने के लिए मैंने पूरा बॉडी को एक्सटेंड किया, पूरा यूज किया या नहीं किया है, तो दैट इज एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड। जैसे लॉन्ग जंप की बात करूं तो आपने देखा होगा लॉन्ग जंप में जब लैंडिंग होती है तो उस टाइम पे वो पूरा एक्सटेंड कर लेते हैं, अपने पैर को एक्सटेंड करके बॉडी को नीचे कर लेते हैं, जितना लंबा उनका लैंडिंग होगा उतना बेटर उनका डिस्टेंस होगा, दैट इज मूवमेंट एम्पलीट्यूड। रादर जब पोल वॉल्ट होता है या फिर हाई जंप होता है तो बॉडी को इस तरह से यूज करते हैं कि वो पोल पे ना लगे, दैट इज मूवमेंट एम्पलीट्यूड। लास्ट है मूवमेंट फ्लो। मूवमेंट फ्लो क्या होता है, मूवमेंट फ्लो और मूवमेंट रिदम जो है वो मोर ऑर लेस सेम है। एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि मूवमेंट रिदम जो था उसमें हम लोग पार्शियल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, बट मूवमेंट फ्लो का मतलब है कि आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो जर्कलेस है, स्मूथ मूवमेंट है, बीच में कोई जर्क नहीं आया है, कोई सडन एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन नहीं है। फ्लो जो है मूवमेंट का वो बराबर है, जो सिक्वेंसिंग हुई है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 वो सिक्वेंसिंग जो है वो बिना किसी जर्क के हुई है, बिना किसी झटके की हुई है, कोई झटका नहीं लगा है, दैट इज मूवमेंट फ्लो। उससे क्या होगा, उसे इंजरी नहीं होगी, उससे मेरे मूवमेंट में मुझे जो एनर्जी चाहिए वो कम लगेगी, मैं कम थकूंगा तो ज्यादा देर तक मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। तो ये एस्पेक्ट है मूवमेंट क्वालिटी ऑफ मूवमेंट के। तो ये पांचों पॉइंट है जिनके बेसिस पर मैं किसी भी मूवमेंट की क्वालिटी को चेक कर सकता हूं। सबसे पहला मूवमेंट रिदम। मूवमेंट रिदम मतलब जो भी मैं छोटे छोटे मूवमेंट कर रहा हूं क्या वो प्रॉपर सीक्वेंस में है, वो 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस में है। सेकंड मूवमेंट कपलिंग, जो साथ में मूवमेंट हो रहे हैं क्या उनकी कपलिंग जो है वो बराबर हो पाई है, उनको जो मैंने कोऑर्डिनेट किया, कोऑर्डिनेशन की बात जो आ रही थी वो कोऑर्डिनेशन क्या यहाँ पर बराबर आया है या नहीं आया है। तीसरा था मूवमेंट प्रिसीजन, मतलब जो मुझे करना था जो इसमें करना चाहिए क्या वो एक्यूरेट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। फोर्थ है मूवमेंट एम्पलीट्यूड, मतलब
कि मैंने अपने हाथ पैरों या बॉडी को कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, राइट। फिफ्थ है मूवमेंट फ्लो, कि कोई झटका तो नहीं लगा है, कोई जर्क तो नहीं लगा है, स्मूथ है, एकदम अचानक से कोई स्पीड बढ़ाई या स्पीड स्लो करी ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल। बस अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान रखते हो तो यस आई एम चेकिंग द मूवमेंट क्वालिटी प्रिसाइजली, राइट। अभी कोई डाउट इसमें किसी को? गुड। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, इंटरनल एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो था मूवमेंट एम्पलीट्यूड जो है उसमें आप अपनी बॉडी को किस तरह से यूज कर रहे हो वो होता है। उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल एम्पलीट्यूड, एक होता है एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड। इंटरनल एम्पलीट्यूड मतलब आप अपनी बॉडी का सिर्फ कोई ना कोई पार्ट यूज कर रहे हो, आप शरीर का कोई भी एक अंग यूज कर रहे हो। जैसे मैं हाथ यूज कर रहा हूँ थ्रो करने के लिए, तो हाथ को मैंने पूरा लंबा किया है या नहीं किया है, उसका पूरा डिस्टेंस कवर किया है या नहीं किया है हाथ का। एक्सटर्नल का मतलब मैं पूरी बॉडी को यूज कर रहा हूँ, जैसे जंप में मैं पूरी बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ, तो मैंने पूरी बॉडी का जो यूज है वो सही तरीके से किया कि नहीं किया है। जैसे आपने देखा वो हाई जंप में वो क्या करते हैं, ऊपर आके अपनी बॉडी को इस तरह से टिल्ट करके ऐसे जाते हैं, तो वो बॉडी को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पोल पे ना लगे। मीन सर इंटरनल में सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी एंड एक्सटर्नल होल बॉडी। होल बॉडी, होल बॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस यस सर। इफ माय स्पेशलाइजेशन इज वॉलीबॉल, इफ फॉर एग्जाम्पल अटैकिंग का हम ये कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें अगर सर कुछ एरर होता है कुछ, तो उसमें वो उस वीडियो में पता चल जाएगा कि यस। देखिए अगर वॉलीबॉल ना, वॉलीबॉल यस सर, अगर वॉलीबॉल में बात करूँ मैं स्मैश की, ठीक है, अगर हम स्मैश कर रहे हैं तो स्मैश में सबसे पहला पार्ट होता है कि आपको जंप करना है, ठीक है। तो जंप मतलब एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड, पहली बात तो ये। सेकंड बात, उस जंप में, जंप के बाद में आपको यहां पर आकर बॉल को हिट करना है, तो दिस हिटिंग प्रोसेस इज सम लाइक समथिंग लाइक अ थ्रो, आप उस थ्रो कर रहे हो वैसा प्रोसेस है, राइट। तो उस थ्रो के लिए आपने अगर लेट से कि आपने अगर अपनी बॉडी को पूरा लेंथ पे यूज नहीं किया है, लेंथ पे यूज नहीं किया है, तो आप इतना पावर जनरेट नहीं कर पाओगे, मतलब आपका मूवमेंट एम्पलीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं है। प्रिसीजन की बात आती है कि अगर आपने टाइमली जंप नहीं किया, जिस टाइम पे आपको जंप करना था आपने उस टाइम पर जंप नहीं किया, तो आप टारगेट मिसमैच कर पाओगे, दैट इज प्रिसीजन। मूवमेंट कपलिंग की अगर बात करता हूं तो मुझे जंप और हाथ का एक्शन एक साथ लाना है, सिर्फ जंप कर लूं या सिर्फ हाथ लेके आऊंगा तो भी काम नहीं बनेगा। मूवमेंट रिदम, तो रिदम का मतलब सबसे पहला वही है कि मैं जो जंप कर रहा हूं, मैं जो हाथ आगे लेके आ रहा हूं, मैं हाथ को वापस मार बॉल पे मार रहा हूं, फिर मैं लैंड कर रहा हूं, तो ये जो मूवमेंट है 1 2 3 4, ये प्रॉपर सिक्वेंसिंग में कि किस टाइम पे जंप करना है, किस टाइम पे हाथ को एक्सटेंड करना है, किस टाइम पे बॉल को हिट करना है, किस टाइम पे लैंड करना है और कहां पर लैंड करना है। और मूवमेंट फ्लो मतलब ये सारे मूवमेंट में कोई झटका नहीं लगा है, कोई जर्क नहीं लगा है, कोई सडन एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वॉलीबॉल स्मैश फॉर द चेकिंग द मूवमेंट क्वालिटी, राइट। Yes, sir, yes, sir. Good. इसके अलावा ये तो होती है कि हम मूवमेंट के अंदर चेक क्या करते हैं, इसके अलावा अगर आप, भाई मैंने बताया द बेस्ट एग्जांपल है कि कोई भी आप वीडियो लीजिए छोटा सा किसी भी मूवमेंट का, उसमें देखिए कि कौन से बॉडी पार्ट यूज हो रहे हैं और कौन सी मसल यूज हो रही है, ताकि उसकी हम ट्रेनिंग बेहतर तरीके से करवा सकते हो। अब ट्रेनिंग में आपको फिजियोलॉजी में इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कंसेप्ट पढ़ाया होगा, वो आप इन्वॉल्व कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वीडियोस है यूट्यूब के, मैं दिखा रहा हूं आपको, सर। यस बहुत खुश हूं सर। बोले सर ट्राइसेप्स, इसमें मुझे ये भी पता लग रहा है कि पुशअप्स करने से ट्राइसेप्स डेवलप हो रही है और पेक्टोरल्स डेवलप हो रही है। शोल्डर का हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन हुआ या एब्डक्शन, जो भी हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन बोलते हैं उसको, या हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन बोल सकते हो, तो उसमें पेक्टोरल जो है वो डेवलप हुआ। तो मुझे ये भी पता लग रहा है कि कौन सी मूवमेंट करने से कौन सी मसल डेवलप हो रही है, या उस मूवमेंट को ठीक करने के लिए मुझे
कौन सी मसल को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये देखो एक और वीडियो एनालिसिस दिखाता हूं मैं आपको कि किसी फुटबॉल को किक कैसे करना है। अप्रोच तो उन्होंने बेसिकली उस फुटबॉल किक को पांच पार्ट्स में डिवाइड किया। फुट कांटेक्ट एंड जैसे हमने किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शन में किसी भी एक्टिविटी को डिवाइड किया। अप्रोच इंडिविजुअल क्लोजेस इन ऑन द बॉल जैसे अप्रोच रन हुआ तो अप्रोच रन इज बेसिकली व्हाट प्रिपरेशन प्रिपरेशन को पढ़ाता हूं। अब देखिए यहाँ पर मैं मूवमेंट को रोकता हूँ तो इस मूवमेंट को देखिए हिप जॉइंट जो है वो एक्सटेंशन में जा रहा है, नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्शन में जा रहा है, एंकल जो है वो थोड़ा प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है, दूसरा पैर जो है हिप जॉइंट फ्लेक्शन में है, नी एक्सटेंशन में है और एंकल जो है वो नॉर्मल पोजिशन में। तो मुझे पता है कि इसके लिए मेरे पास हिप की जो एक्सटेंशन है ग्लूटियस और हैमस्ट्रिंग वो काम करेगी, जो नी फ्लेक्शन है वो हैमस्ट्रिंग होता है, प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो गैस्ट्रोनिमियस काफ मसल है वो काम करती है। यहाँ पर इन मूवमेंट्स के लिए कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी तो ये इस तरह से मैं इन मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकता हूँ और उसके लिए कौन सी मसल इन्वॉल्व है वो मैं चेक कर सकता हूँ। अगर आप SNC के साथ में या GTMT के साथ में अगर काम करते हो साथ में तो इन मसल की ट्रेनिंग किस तरह से करना है आपको वो भी पता लग जाएगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हमें किस तरह से एनालिसिस करना है। आई होप मैं आपको समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूँ कि मुझे लग रहा है एक्सप्रेशन देखिए थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है अगर कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे, मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू क्लियर द डाउट्स। कोई डाउट? यस सर, एग्जांपल ऑफ सेंट्रल पेटल फोर्स एंड सेंट्रल फुगर फोर्स। ओके ओके आपने मैसेज लिखा भी था उसमें। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल इज द फोर्स विच कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल इज द फोर्स विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। याद करने का तरीका बता दूं मैं आपको, सेंट्रीपिटल पिटल इज में पी आता है, सेंट्रीपिटल में पी मतलब पास, सेंट्रीफ्यूगल में एफ आता है, एफ मतलब फार। सिंपल सा तरीका हो गया। ठीक है अब एक बचपन में हम लोगों ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होता है कि हम लोगों ने एक रस्सी या धागे के अंदर एक स्टोन बांधना होता है छोटा सा और उसको हम इस तरह से घुमाते हैं, फिंगर के आसपास घुमाते हैं, फिंगर के आसपास उसको ऐसे रोल करते हैं, ऐसे इस तरह से रोल करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप उसको रोल करते हो, इस एग्जांपल को कोरिलेट करेगा हैमर के साथ में, जब आप उसको रोल कर रहे हो तो बेशक हम उसको बाहर की तरफ फेंकने के लिए हम उसको रोल करते हैं, है ना, पर हम उसको हमने अभी तक छोड़ा नहीं है, हमने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है पर जब हमने रोलिंग स्टार्ट किया, जब एंगुलर वेलोसिटी साथ में आई, जब आपकी एनर्जी जो है जो इलास्टिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, तो उस टाइम पे हुआ ये कि वो बाहर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर दिया उसने कि मुझे बाहर जाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट। आप देखेंगे तो फिंगर आपकी ऐसे मूव करती है, इस तरह से आउटसाइड मूव करती है, तो बाहर की तरफ जाना है सेंट्रीफ्यूगल। आप उसको पकड़ के रख रहे हो तो आपके टॉर्सो के ऊपर पूरा का पूरा लोड आता है, इसीलिए आपने देखा होगा हैमर थ्रोवर या जो थ्रोवर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका टॉर्सो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि आपके टॉर्सो के ऊपर पूरा रिएक्शन फोर्स आ रहा है। बाहर जाना इज एक्शन, अंदर की तरफ आना इज रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स आ रहा है, उस रिएक्शन जो फोर्स आ रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। पर ये एक्शन और रिएक्शन तब तक होते हैं जब तक हैमर या जो भी वो आपके हाथ में है, जब आप उसको रिलीज करते हो तो बाहर जाना जो है वो एक्शन है, सॉरी हाँ द सेम इट इज सेम, बाहर जाना इज एक्शन और आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो दैट इज द रिएक्शन, और वो जो फोर्स आपकी बॉडी की तरफ आ रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल, और जिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर जा रहा है, जो हैमर है वो बाहर की तरफ जा रहा है। आपने हैमर को छोड़ दिया तो हैमर राउंड राउंड क्यों नहीं गया, वो सीधा एक डायरेक्शन में क्यों गया, बिकॉज of the centrifugal force that is acted on that direction while releasing. जब रिलीज किया था उस टाइम पर वो जिस डायरेक्शन में गया था तो उस डायरेक्शन में हैमर चला जाता है, so that is centripetal and centrifugal, right? Thank you sir. Okay. Anything else? Hello sir. Yes. Sir तब घुमाते हैं ना तो कौन सा फोर्स लगता है सर? दोनों फोर्स साथ में लगते हैं हमेशा, एक फोर्स होता है एक्शन, दूसरा होता है रिएक्शन।
अगर सेंट्रीपिटल आपका आपका एक्शन है तो सेंट्रीफ्यूगल जो है वो रिएक्शन है, दोनों फोर्स हमेशा साथ में लगते हैं। रादर आपने देखा होगा, एक एग्जांपल में देता हूँ कि जिन्होंने प्लस टू तक अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको एग्जांपल एक आया होगा उसमें इस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का। आप जब किसी पहाड़ी पे जाते हो या किसी कर्व वाली रोड पे जाते हो तो आप ये देखोगे कि जो खाई होती ना उस तरफ रोड झुकी हुई रहती है, अपोजिट साइड रहता है। ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए ही होता है। यस सर। आप जब एथलेटिक ट्रैक पे होते हो तो ट्रैक पे जो कर्व होता है, कर्व ही पार्ट है, वहां पर सेंट्रीपिटल की गाड़ी पलटे ना सर, है ना? बिल्कुल, गाड़ी पलटे ना, राइट? यस सर, थैंक यू सर। और कुछ डाउट है? चलिए तो थैंक यू। हम लोग शायद अगले मंडे मिलने वाले हैं, जो पटियाला वाले हैं। हम लोग डिपार्टमेंट देखेंगे, हम लोग मशीन देखेंगे क्या है, और फिर थोड़ी बातें करेंगे, राइट? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।